Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar dosto, main hoon Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain First Bite TV. Bhajpa ne apne war center ka Meerut mein aaj shubharambh kar diya. Yahan se pashchimi Uttar Pradesh ke sabhi jile target kiye jayenge. और वहां पर क्या गतिविधि हो रही है उस पर बराबर नजर रखी जाएगी। आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरठ पहुंचे और उन्होंने वॉर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर सीधे सीधे तंज कसे। उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा राष्ट्र प्रेमी पार्टी है और जबकि विपक्ष राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की नीतियों के खिलाफ कार्य कर रहा है। मेरठ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को फिलहाल प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या मेरठ में, उन्होंने अरुण गोविल को बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया, क्या मेरठ में स्थानीय पदाधिकारी नहीं मिले, स्थानीय नेता नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि जब इटली की महिला को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं तो अरुण गोविल को बाहरी कैसे कहा जा सकता है। प्रेम शुक्ला ने यह भी दावा किया कि भाजपा गठबंधन पूरे देश में 400 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। जब 4 जून को रिजल्ट घोषित होंगे तो ऐसा ही देखने में आएगा। जब उनसे फर्स्ट बाइट और टीवी द्वारा यह पूछा गया कि इस दावे का आधार क्या है, तो उन्होंने कहा, और जिस तरह से भाजपा की राष्ट्रवादी नीति चल रही है उसे देश का बच्चा बच्चा पसंद कर रहा है। देखिए क्या कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने। मित्रों, यह निश्चित है कि इस बार 4 जून को जो परिणाम आएगा तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 के पार जाएगा ही जाएगा और उसमें से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का संकल्प स्वयं जनता ने ले लिया हुआ है। जिस तरह से इंडी अलायंस के लोग इस देश को तोड़ने पर आमादा हैं, अभी कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप राजस्थान में जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के बारे में क्यों बोलते हैं। राजस्थान जो शूरवीरों की धरती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने जम्मू एवं कश्मीर के भारत में अखंड रूप से शामिल रहने के लिए बलिदान न किया हो। साफ तौर पर जिन लोगों को राम मंदिर में दर्शन करने का समय नहीं है, राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार करते जो कांग्रेस छोड़कर आ रहा है, जो सेकुलर दलों को छोड़कर आ रहा है, हर किसी की यही शिकायत है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस ने लिया। राम का विरोध करेंगे ये और ये गाजा का समर्थन करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। इससे उस के पीछे क्या आधार है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, 260 ऐसी सीटें हैं 303 में से, जिन 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे क्रमांक के जो प्रत्याशी थे उनके कुल मिले मतों के संख्या से अधिक है। 224 सीटों पर हमको 50% से अधिक वोट मिला है, 260 सीटों पर हमको दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के प्रत्याशियों को मिले कुल योग, वोट के योग से अधिक हमको वोट मिला है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 51% से अधिक वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 के बाद
53 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 53 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम 30 राज्यों में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो एनडीए 7 राज्यों में शासन था एनडीए का, और सिर्फ 5 राज्यों में भाजपा का शासन था। आज 17 राज्यों में एनडीए का शासन है, 12 राज्यों में अकेले भाजपा का शासन। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम अकेले के बूते 370 और एनडीए 400 के पार जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार तो बहुत दूर है, 200 सीट भी आए तो काफी है। वो अपने लिए बता रहे होंगे, इंडिया अलायंस के लिए, उनकी 50 भी नहीं पार कर पा रहे ना। अपना संकट आप देख लीजिए, राहुल गांधी को पिछली बार कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें कहां मिली थी? केरल, तमिलनाडु, पंजाब। केरल देख रहे हैं उनकी अपनी सीट फंसी हुई है क्योंकि इंडिया अलायंस वहां पर है, सीपीआई साथ में, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारी हुई है। तमिलनाडु की भी यही दशा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साफ कर चुकी है, तो इस बार वो 27 या 30 सीटों पर ही निपट जाएंगे। भारी प्रत्याशी को लेकर के मेरठ में सवाल उठ रहे हैं, इसमें क्या है? भाई इटली वाले जो है वो भारी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। भाई राम बाहरी हो गए और इटली वाली भीतरी हो गई, गजब है। कल जयंत जी सहारनपुर की सभा में नहीं आ पाए और बिल्लौर भी फैक्ट नहीं पहुंचे, वो तो इससे विपक्ष कह रहा है कि इनका तो जयंत जी और उनके कार्यकर्ता 100% पूरे जन मन धन के साथ जो है भाजपा के साथ। अभी आपने एक बात और कहनी थी कि जो विपक्ष है उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। जी जी, मेरठ में भी ऐसा कुछ हुआ कि आप मेरठ में 3 प्रत्याशी आपके सामने बदले गए? भाजपा जो है वो लोकली वोट पाई क्या? नहीं, भारतीय जनता भाई जो आपको जो है जो टेलीविजन पर जिन राम को आप अगरबत्ती दिखा रहे थे साक्षात आपके सामने ले आए, बाहरी कहाँ से हो गए? राम बाहरी हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हर मन में भाई राम बसे हुए। मेरठ में राम राज को संस्थापित करने का संकल्प साकार होते हुए हर कोई देख रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में, तो स्वाभाविक तौर पर इस राम राज को देखकर बाबर की संतानों की छाती फट रही है, उनको बहुत पीड़ा है। लेकिन राम में विश्वास करने वाले, रावण की पौराणिक ससुराल में राम का ही राज्य संस्थापित करेंगे। मेरठ वैसे भी जो है 1991 से लेकर पहले भी यहाँ मेरठ का जनादेश लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। 2009, 2014, 2019, एक बार 2024 में भी प्रचंड मतों से मेरठ तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगा और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो 400 के पार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटों की संख्या पार होगी, यह तय है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन। नमस्कार।